हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल के अंदर नोटिफिकेशन पैनल को कैसे चेंज कर सकते हो। अगर आपके मोबाइल के अंदर पुराना वाला नोटिफिकेशन पैनल लगा हुआ है तो आप उसको चेंज करके नए वाले नोटिफिकेशन पैनल में कैसे कर सकते हो, तो यह सब मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। सिंपली इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के अंदर सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद आपको सिंपली नीचे की साइड स्क्रॉल डाउन करना है। आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले का, तो डिस्प्ले के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। डिस्प्ले के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे की साइड स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे की साइड स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको एंड में एक ऑप्शन मिलेगा कंट्रोल सेंटर एंड नोटिफिकेशन शेड, तो आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, तो सिंपली आपको नीचे एक साइड एक ऑप्शन मिलेगा यूज ए न्यू कंट्रोल सेंटर, वो आपके फोन के अंदर ऑफ रहेगा, तो आपको सिंपली उसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपके मोबाइल के अंदर नए वाला कंट्रोल सेंटर आ जाएगा, मतलब कि आपके मोबाइल के अंदर जो नोटिफिकेशन पैनल होता है वो चेंज हो जाएगा नए वाले नोटिफिकेशन पैनल से। और ये नए वाला नोटिफिकेशन पैनल है, इसकी सेटिंग्स थोड़ी सी अलग है। अगर आप कैमरे के राइट साइड की तरफ से इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ से आपके सभी फंक्शंस आ जाएंगे, जैसे कि आपके नेट, मोबाइल डाटा, वाईफाई, हॉटस्पॉट, लाइट, फ्लैश, जो सारी चीज़ें होती हैं मोबाइल के अंदर वो सारी आ जाएंगी। अगर आप इसको कैमरे के लेफ्ट साइड की तरफ से स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपके सभी नोटिफिकेशंस आ जाएंगे जो आपके मोबाइल के अंदर नोटिफिकेशंस आते हैं। तो ऐसे आप अपने मोबाइल के अंदर नोटिफिकेशन पैनल को चेंज कर सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर, और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।